कीमत है तुम्हारे को, मेरे कपड़े क्या है, 10 रुपये का रुमाल भी हो ना तो भी कोई अपनी वाइफ के कपड़े नहीं काटेगा। हो गया, मैंने काटे बस। क्यों काटे तुमने? हाँ मैंने काटे, जा भाई और ला काटे ला। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूं पिंकी क्वीन किचन पंचाल। स्वागत करती है आपका मेरे चैनल द किचन पंचाल में। आज आपके लिए एक ज़बरदस्त प्रैंक लेकर, और प्रैंक में क्या होने वाला है ना, लास्ट टाइम मुझ पर किया था रिवेंज वाला प्रैंक, उन्होंने किया था मेरे ऊपर रिवेंज वाला प्रैंक किया था लास्ट टाइम, बाल काटने वाला। तो इस बार मैं करने वाली हूँ उनके ऊपर रिवेंज प्रैंक। तो प्रैंक में क्या करने वाली हूँ ना, उनको बहुत सताने वाली हूँ, उनको बहुत रुलाने वाली हूँ, और मैं क्या करने वाली हूँ, उनके कपड़े काटने वाली हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। और हाँ, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बस लाइक करते रहना, शेयर करते रहना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चार बज गए, उठो। संदीप ए उठो, 4 बज गए, उठो उठो। उठो बनाती हूँ, पहले उठो तो। उठते चाय पियोगे क्या? पानी लाती हूँ तुम्हारे लिए, पानी पी लो। पानी गिर जाएगा, पहले उठो ना, उठो उठो, पानी गिरेगा, उठो जल्दी। ये लो उठो फटाफट, चाय भी ठंडी हो गई तो मैं चाय बना दूँ। मुझे तुमसे एक बात करनी बाबू, उठो जरा। आए उठो ना, पानी कितनी नींद आ रही, पर एक बात करना, उठो ना प्लीज। उठो मैं बताती हूँ। कैसा है अभी सर? दर्द, सर दुख रहा था तुम्हारा? एक बात बता, मेरे से बहुत नाराज रहने लगे आजकल। क्या चाहिए संजोग बंधु, थोड़ी दिन के लिए अलग हो जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सही बोल रहे हो, तुम अभी मेरे से बहुत नफरत करने लगे हो, चिढ़ने लगे हो मेरे से, नाराज हो। कोई बात नहीं, अरे क्या है, बोलना भाई। ऐसे क्यों बोल रहे हो? ऐसे क्या है डायलॉग? बोलो, डायलॉग नहीं मार रहे हो, चिढ़ रहे हो ना मेरे से। अरे नहीं चिढ़ रहा हो, मैं अभी उठा और डर गई। क्या बोल रही तू? लेकिन तुमको नफरत तो हो गई मेरे से, चिड़ बना है कोई? हाँ? नहीं यार, कौन सी बात पे सड़ गए हो तुम मेरे से? कुछ भी नहीं, बोल ये बोल, किया है तुमने ऐसा काम इसलिए? कल कैंची लेके घूम रहे थे, मैंने कपड़े कबाड़ के कपड़े निकाले थे, इधर पे रखे थे, घड़ी कर रही थी मैं, तुम मेरे बाल काटे थे तुमने? कल थोड़ी काटे थे, परसों काटे थे। परसों काटे थे, परसों के ही दिन। मैं उसके बाद में प्राइम शूट हो गया, उसके बाद में तुम्हारे हाथ में कैंची तो चली रही थी, तो तुमने कैंची से कितने कारनामे कर रहे थे, पेपर पर से वो सब काटते बैठे थे, वो सब क्या कर रहे थे, चिपका रहे थे कुछ भी। तो बोलना, आगे बोलना भैया, आगे बोलना। कपड़े यहाँ पे पड़े थे, तुमको ऐसा करना चाहिए था। किसके कपड़े? मेरे कपड़े पड़े थे यहाँ पे। क्या हुआ कपड़े? तो तुमको ऐसा करना चाहिए। क्या किया मैंने? ना ये सब बच्चे भी नहीं करेंगे। कभी दिमाग मत खा। मैं यार उठा हूँ तो मेरे को डायरेक्ट अभी ये सब बना। तुम कितना मेरे से चिढ़ते हो, कितना नफरत है तुमको मेरे से। ऐसा करना चाहिए तुमको। बोले मैंने क्या किया? मैं तुम्हारे कपड़े कितने अच्छे से संभाल के इसको धोती हूँ, सुखाती हूँ, फिर उनको तुम। अरे बोलना भाई, पर पूरी बात सुनो ना। मैं धोती हूँ, सुखाती हूँ, फिर उनको अच्छे से प्रेस करके फिर मैं रखती हूँ संभाल के, और तुम क्या करोगे? ये सब करोगे तुम? ये बता क्या किया मैंने? किया ये बता, क्या किया ये बता पहले। मैंने ये किया। एक थोड़ा टाइम शांत, शोभा नहीं देता अच्छे लोगों को ये सब। मत करने का और कुछ नहीं है। तुम्हारा कुछ मानसिक संतुलन हिल गया है क्या? तुम डिप्रेशन में? मेरी साड़ी काट दी है तुमने। कौन सी साड़ी? नई लेकर आई थी पूजा में बैठने के लिए, तो साड़ी तुमने काट दी। पागल है क्या? मैं नुकसान नहीं करता कभी। क्यों किया ऐसा बताइए। अरे मैंने नहीं किया। और एक ड्रेस भी मेरा काटा है तुमने। क्यों किया बता? इधर ही पड़े थे। तूने काटा रहेगा, नया लेने का रहेगा इसलिए। क्यों? मतलब मैं कपड़े काटती हूँ कभी ऐसा? मैंने तो मैं काटता हूँ। तुम्हारे ही हाथ में कैंची थी तो मैंने काट दी है। वो तेरे हाथ में चक्कू रहेगा, किसी का खून हुआ रहेगा तो मैं ये बोलूँगा तूने खून किया। खून कहीं दूसरी जगह हुआ रहेगा तो मेरे को बोलूँगा तू सब्जी काट रही थी उधर जाके खून करके आई, ऐसा बोलूँगा तू। यार कैंची तो मेरा, चक्कू तो मेरे हाथ में रोज रहता है। चूहा अपने घर में एक भी नहीं है। चूहा ऐसे कैंची से काटा हुआ और चूहे का काटा हुआ एकदम अलग दिखता है। ये देखो तुमको दिखाती हूँ मैं। ये देखो तुमने मेरी साड़ी काट दी है। ये बकायदा काटा हुआ है, देखो। ये क्या किया है? ये मैंने काटा है। हाँ। वाह। क्यों किया है? वाह। तो तुम्हारे हाथ में थी? फिर मैं बोलूँ प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअली तेरे को ना तेरे मैंने क्या बोल रहा हूँ तेरे को? जान दे बोल रहा हूँ। क्या मन में है खराब बोल रहे तेरे को। अभी मेरे से ना मच करने का, इसलिए अभी कुछ ना कुछ बहाना लेके आ रही है। अरे मैं तुमसे झगड़ा करती हूँ तुमसे तो ये क्या कर? अभी ये क्या है? मैं तो डायरेक्ट मेरा नाम ले रही है। देखो सुनो मेरे बाबू, सुनो मेरी बात सुनो। अगर कुछ भी ऐसी बात है, डिप्रेशन में हो, तुमको ऐसा कुछ काटने का मन हो रहा है तो डिप्रेशन तो तुम ऐसे ही काटोगे ना। इंसान ऐसा जब पागल हो जाता तो ये सब फालतू के काम करता है। तुमने किया है, देखो साड़ी काट दी है ये वाली। नहीं मतलब मैं पागल हूँ। ये देखो ये ड्रेस मेरी काटी। नहीं तूने क्या बोला? पागल इंसान लोग करते हैं। ये देखो ये ड्रेस काटी है तुमने। क्या किया है? मैंने नहीं काटा। चीरा मार के चुपचाप से और रख दिया। मैं तो जब तो मुझे पता नहीं चला। मैं देख अभी देखो ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। मेरा देख मेरे माइंड में सर बहुत दुख रहा है। मेरा दिमाग गरम मत कर। माइंड दुख रहा है कि दिमाग दुख रहा है पहले ये बताओ। मेरा सर दुख रहा है। अच्छा। तो मेरा दिमाग खराब मत कर। मैंने दोनों में से कुछ भी काटा नहीं है, इसलिए मेरे पीछे मत पड़। देखो जिसी को पूछना पूछ ले। किसको पूछूं? कौन था वहाँ पे? कोई भी नहीं था। बच्चे अपना कहाँ पे यहाँ पर कैंची लेके कौन था? अरे कैंची लेके खड़ा करके मैं काट दूंगा कपड़े तेरे। तुमने गुस्सा तो मेरे ऊपर निकाल दिया, इसके लिए मेरे को उठा दिया ना तुमने। ओ बाप रे, 4 बज गए हैं तो 4 बजे उठोगे नहीं तुम? कि ये सब तुम 1 घंटा हो गया सोते। तुमको दोपहर में कितनी देर सोना है? ऐसा करना अच्छे लोगों को शोभा नहीं देता। संदीप अगर तुम्हारे को कोई टेंशन है, कोई डिप्रेशन है ना, कोई है तुमको प्रॉब्लम तो बता दो। देखो मैं कुछ नहीं बोलूँगी तुमको। चलो काट दिए मेरे बाल, सॉरी मेरे कपड़े काट दिए और मेरे बाल भी तुमने काटते काटते उस दिन बच गए थे। पर चलो जाने दो, तो प्रैंक था वो तो मैं भूल भी गई, लेकिन कपड़े ऐसे क्या मस्ती करना होता है। ये साड़ी मैं नहीं लाई थी पूजा में पहनने के लिए। हाँ, और तुमने देखो इसका क्या हालत किया है। नहीं तेरे को मेरे को यकीन नहीं है। 2 टुकड़े नहीं, तेरे को यकीन नहीं, तेरे को मैं बोल रहा हूँ। मैं कुछ बात नहीं, चलेगा, इट्स ओके। क्या चलेगा? क्या ओके? मैंने नहीं, देख दोबारा ये मत बोलना। अच्छा ठीक है, मैं ऑलरेडी मेरा वो टेंशन में हूँ कैमरा के झंझट में। हाँ हाँ, कैमरा का लेंस खराब हो गया है, अभी वो कल मेरे को जाके अभी मार्केट में जाके उसका ठीक करवाने का है। हाँ हाँ ठीक है, जाने दो। देखो बाबू ऐसा कुछ हो जाता है तो मुझे बता दिया करो, कुछ टेंशन में हो कि तुम्हारा कुछ खराब करने का इच्छा हो रही है ना तो मुझे बताया करो। फिर अपना सर फोड़ने का मन हो रहा है, बोल कुछ गलती करो तो तुम कुछ नहीं बोलना चाहिए। मत बोलो भाई, मत बोलो, मत बोलो। कपड़े काटो, मैंने नहीं काटे, मत दोबारा बोलो ऐसा। आटा लगाओ, मैंने नहीं किया। देख मैं पहली बार बोल रहा हूँ, देख मेरे को बिल्कुल, मेरे को देख मेरा कैमरे का बहुत टेंशन है, मेरे को भी फॉल्ट आ गया उसमें, तो मेरे को कल भी मार्केट में जाके उसको ठीक करवाने के पहला तो करवा लेना। क्यों बड़ा करो मेरे को? तो जो ये क्या लेके बैठी तेरे का 10 रुपए के कपड़े में मेरा वो 50,000 का कैमरा बिगड़ रहा है, वो नहीं दिख रहा है। ये कीमत है तुम्हारे को, मेरे कपड़े क्या 10 रुपए का रुमाल भी हो ना तो भी कोई अपनी वाइफ के कपड़े नहीं काटेगा। इतना प्यार से सब लोग लाते हैं, रखते हैं अपने घर में, और तुम ये क्या कर रहे हो? हो गया, मैंने काटे बस। क्यों काटे तुमने? हाँ मैंने काट दिए, जा भाई और ला काट देता हूँ ला। यही सुनने का है ना? सुन लिया? बोल रही हूँ तुमको, बोल रही कि मैंने काटे नहीं, जो भी तू बोल तुम काटे बस मैंने काटा, खुद के ऊपर ले रहा हूँ मैं। तो चलो ठीक है, अब कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी ऐसा, तो बता देना चाहिए। मुझे बताया होता ना तो इतना बुरा नहीं लगता। तो चलो तुमने मेरे यार खेल में सुन मेरी बात, मेरा दिमाग मत खा अभी। तू सही बता, खेल में किया है ना? अरे भाड़ में क्या खेल, मैंने नहीं किया बोल रहा हूँ ना। देख मैंने मत दिमाग आउट कर यार, मैं नहीं मत नहीं चाहता हूँ, शांति से नहीं बात करता। मैंने नहीं किया, झाड़ू वाली को दे देना। झाड़ू वाली को दे देना, मैंने इतने प्यार से पूजा में पहनने के लिए साड़ी लेकर आई है और तुम क्या बोलते हो? तो ज्यादा भी फटा भी नहीं है, थोड़ा सा फटा है, 2 टुकड़े हुए साड़ी के। अब क्या हुआ लेकिन, क्या बनाऊं उसका? मेरे को क्या पूछा बना, मेरे को क्या करूं? मैंने नहीं फाड़ा है इसलिए मेरे को मत बोला। कपड़ों के लिए कोई फीलिंग उठा नहीं, एक तो तेरा मसमत चालू हो गया, ऊपर से ठंडा पानी लेकर आ रही, ठंडा होगा मैं इससे क्या है पीना तो पियो, नहीं तो फिर रहने तो थोड़ी देर गर्म हो जाएगा, पी लेना। फिर चाय तो गर्म ही मिलेगी ना तुमको। कंप्यूटर क्यों चालू रखा है? बच्चों ने करके रखा है। जाने दो अभी यार, छोड़ो तुम, मैं समझती। जाने दे, फेंक दे जा, मैंने नहीं किया, मेरा मत मगज मत खा मेरा। तो तुम अगर कुछ तुमसे गलती हो जाए तो मैं कभी कुछ बोलूँगी। मैंने गलती देखिए यार, तो दोबारा बात मत। क्यों यार, क्यों परेशान कर रही है मेरे को? मैंने कुछ नहीं किया, तेरा कपड़ा तो तेरा उधर रख भाई, तू छुपा के रख जा। तेरे को लग रहा है ना मैंने किया, जा छुपा के रख जा। इतने सारे कपड़े कहाँ छुपा के रखते हैं? पता है अपने को कि आज वीडियो के लिए जाने का था, फोन पे फोन आ रहा है, मेरे को वीडियो करने जाना है, तो अभी कैमरा प्रॉब्लम और जाऊँ कैसे मैं? उसको क्या जवाब दूँ मैं उसको? मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा कोई उसमें गलती है? तो मतलब तेरे को वो सब थिंकिंग नहीं आ रहा है कि मतलब मेरा अकेला का चैनल नहीं है, तेरा भी चैनल है हेल्पिंग पीपल ब्लॉग का, तो उसमें जो फोन आ रहा है मेरे को, उनको हेल्प चाहिए तो अपने हेल्प मांग रहे हैं। आप तो अभी सुनो मेरा, वैसे जब फॉल्ट आ गया था तो बोल देने का कि मतलब हम लोगों को कुछ काम आ गया है, आज का डेट था उनका। अब तो अभी क्या कर सकते हो? तो ला मैं बात कर लेती हूँ, दूसरा क्या? बात तो कर ली है, मेरे बात करने में प्रॉब्लम नहीं है। एक प्रॉब्लम रहती है ना, दोनों को सॉल्व करना चाहिए। तो तेरा ये कपड़ा लेके बैठ गई, वो भी उठा नहीं हूँ मैं। कपड़े की बात ऐसे नहीं है, तो मुझे ऐसा लगा कि तुमने मस्ती में किया कि तुम डिप्रेशन। अरे मैं क्यों करूँगा मस्ती में, नुकसान क्यों करूँगा? तो फिर डिप्रेशन, और मेरे को कौन सा डिप्रेशन है? ऐसे खेलते खेलते काट दिया होगा। तुम लेके तो बैठे थे वही टाइम पे, कैंची भी थी तुम्हारे हाथ में, कपड़े भी थे तुम्हारे हाथ में। ठीक है मैंने काट दिया बस। और बातें कर रहे थे तुम मेरे से। हाँ मैंने काट दी बस, क्या समझू मैं तुम्हारी ऐसी बातों से? जो समझ में समझ, क्या करूं मैं उसका संजी? मेरे को क्यों बोल रही तू? मेरे को क्यों बोल रही? मैंने नहीं पढ़ा है, देखिए मत। पता है उसको ऐसे सिल दूंगी हाथ से, उधर को जो करना होगा तो जान, मशीन पे सिलाई लगा दूंगी। और अगर कोई पूछेगा भी तो बोल दूंगी कि तो मेरे हस्बैंड ने ऐसे गलती से काट दिया था। अच्छा मैं ऐसा बोल रही हूं, मैंने काटा नहीं। नहीं नहीं मैंने काटा नहीं, तो भी तो मेरा नाम ले रही वो भी। देखा बिंदास, मतलब तुमने देखा है कि मैंने पाड़ा है, मेरे पीछे पड़ गई कि फाड़ा मैंने नहीं फाड़ा है, देखो भी दोबारा मत एक हां ठीक है नहीं बोलूंगी। और जब ऐसे कभी फटा हुआ मैं पहनूंगी इसको सिला हुआ रहेगा तो तुमको पता सबको पता तो चल ही जाता है कि फटा हुआ है समझ पहनना। तो मैं क्या बोलूंगी पता एक काम करती हूं ना उसके ऊपर अच्छे से ना वो लेस वगैरह कोई लगा देती हूं और अगर कोई पूछेगा भी तो बोलूंगी ये तो मैंने डिजाइन के लिए लगा दिया है। तो जो करना होगा तो मेरा दिमाग क्यों खा रही है। मैं तुमको बता रही हूं कि मैं कितना बार क्रिएटिव मत बताना। अगर तुमसे कोई गलती हो गई तो मैं उसको तेरे में बहुत सारा दिमाग है मुझे पता है ठीक है क्रिएटिव कर दूंगी मैं उसको। हां तू करेगी बहुत कुछ कर सकते तू कर। ध्यान रहे काम करो अब ये फटी हुई साड़ी है जहां से लेकर आए थे उसको वापस कर दो और बोलो कि ना ये साड़ी तुमने फटी हुई दी थी दूसरी ले आओ जाओ। सुनाई दे रहा मुझे साड़ी तो चाहिए दूसरी पहनने के लिए अभी मैं क्या पहन लूंगी केवड़ा कुर्ता उसे चल जा। कौन लेके दे रहा है मैं पैसा दे दूंगा तुम लेके आना ये छोड़ो भी तो इसको क्या कर रही है। अरे मेरे को क्या मार मेरे को क्यों बोल रही है कुछ मेरी बात सुनना ही चाहते या तो अपनी गलतियां ढांकने में बहुत बस हेडफोन हो रहा है प्लीज निकल जा जा बेंद्र से जा मेरा मोबाइल लेके आ जा। मैं नाराज नहीं हूँ मैं तेरे से नाराज हूँ। तू कैसा करती है यार मेरा नाम तू कैसा ले सकती है मैं ऐसा करूँगा तेरे कपड़े में नहीं करूँगी। और इतना कोई कुछ प्रॉब्लम में रहे हुए ना तो मुझे बता देने का ऐसे टेंशन नहीं लेने का। जा कैमरा ठीक कर गया जा। कौन सा कैमरा वो कहाँ से ठीक होएगा अभी तुम जाना और करवा देना। उसका लेंस ही कितना महंगा आता है लेंस ही उसका प्रॉब्लम हुआ लेंस में प्रॉब्लम हुआ है मुझे पता है तुम बहुत अच्छे हो यार मेरी केयर करते हो इसलिए ये सब सुनने मिल रहा है मेरे को। रैंक कर रही थी यार मैं तुम्हारे रैंक कैसे करेगी कैमरा तो बिगड़ गया तो फोन से कर ले ऐसे तुम सताने का प्रैंक। देखो पता है मैं अभी वो कैमरा में इतना टेंशन में हो और तुम मेरे को अभी ये सब कर रही तो देखो अभी कोई ना कोई प्रैंक का कंटेंट तुमने ढूंढना ही पड़ेगा ना। ऐसे ही देख रही थी कि तुम मेरे लिए अगर ऐसा कुछ नुकसान हो जाता है तो तुम मेरे लिए नई साड़ी ला के दोगे तुम ला के दोगे ना उसमें क्या है। तुम इतने बड़े बुद्धू हो तुम इतने बड़े पागल हो तुम इतने बड़े क्या बोलो पल्लू हो। मेरी बात सुनो ये है साड़ी का पल्लू तो तुमको कुछ पता नहीं है साड़ी क्या होती है। ये साड़ी का अरे सॉरी ये साड़ी का ब्लाउज पीस है ये मैंने ये कटा हुआ था और ये साड़ी ये कोई कटी नहीं है साड़ी पर तुमने पता देखी तलक नहीं और मेरी बात पे भरोसा कर लिया पर ऐसा कुछ भी नहीं था। ये मैंने ये बताया इसलिए भरोसा किया ना कि ये दो टुकड़ा हो गया। हाँ तो तुमको देखना तो चाहिए था दो टुकड़ा मतलब इतना सारा कट गया है कुछ कटी नहीं तो ऐसे ही प्रैंक कर रही थी ऐसे ही। वीडियो पूरी कर अभी और ये है ना ये कील में फंस गई थी वीडियो पूरी कर चाले महाराज नहीं हो। अरे उठा उठा के वीडियो बनाती है तू यार तो क्या करो तुम सोचे उठाना भी था और प्रैंक भी शूट करना था इसलिए वो पूरा करो और चाले करो। तो गाइस वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और इनको पता ही नहीं चला कि साड़ी का पल्लू कौन सा होता है और साड़ी आधी कैसे होती है बिना देखे बिना सोचे समझे नींद में मेरे ऊपर भरोसा कर लिया और ये प्रैंक शूट हो गया। अगर ये नींद में नहीं होते तो इतने अच्छे से प्रैंक शूट नहीं हो पाता बहुत अच्छे से जांच पड़ताल करते थे ये इनको कुछ पता ही नहीं चला और साड़ी का इल्ज़ाम मैंने इनके ऊपर डाल दिया और इन्होंने इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया और साड़ी के दो टुकड़े हो गए। इतने अच्छे से प्रैंक शूट हो गया तो प्रैंक कितना अच्छा लगा आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में और आप कुछ कहना चाहेंगे इससे संदीपन चैनल तो कह दीजिए। मेरा दूसरा चैनल है हेल्पिंग पीपल ब्लॉग्स तो वहाँ पे भी जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जैसे आपने ये चैनल को सपोर्ट किया है वैसा वो चैनल को भी सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब कर और गाइस उसमें मैं बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहा हूँ तो वहाँ पे जाके वीडियोस है तो जाके देख सकते हो आप। अगर आपको पसंद आई वो वीडियो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना ताकि दूसरे लोग को भी हेल्प हो जाए और हमें भी हेल्प हो जाए कि हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाए। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में।